हेलो फ्रेंड्स, मैं एलके खत्री एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आज की वीडियो का पर्पस क्लियर करना चाहता हूँ। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। यस, प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें उससे पहले मैं जानता हूँ कई बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर, डायरेक्टली 15 चैप्टर, क्यों फर्स्ट से नहीं? तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं, बच्चों के लिए जिनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, कि हम सब जानते हैं कि टोटल मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं। उन 15 चैप्टर्स को मैं उसको डिवाइड करूं तो कुछ चैप्टर सेमेस्टर 1 में आते हैं और कुछ चैप्टर सेमेस्टर 2 में आते हैं। सेमेस्टर 1 में अगर मैं आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14 एंड 15 9 चैप्टर्स आते हैं जिनकी एग्जाम्स नियर अबाउट सेप्टेम्बर एंडिंग या अक्टूबर फर्स्ट वीक में होती है। और सेमेस्टर 2 की मैं बात करूं जिसमें चैप्टर 4, 8, 9, 10, 12 और 13 आते हैं, जिसको हम ऑलमोस्ट दिसंबर एंडिंग या जनवरी फर्स्ट वीक तक कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, ताकि जनवरी एंडिंग में जब प्रीलिम्स हो तो पूरा कोर्स पूछा जाता है बच्चों से एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे देखें तो ऑलमोस्ट 60% कोर्स सेमेस्टर 1 में कंप्लीट हो जाता है और 40% कोर्स सेमेस्टर 2 में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स दिसंबर एंडिंग या जनवरी फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाता है। अब वंस अगेन वही टॉपिक कि 15 चैप्टर क्यों। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग या एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि कब स्कूल्स और कोचिंग क्लासेस फिजिकली स्टार्ट हो पाएंगे। एंड उनको ध्यान में रखते हुए जो न्यूज़ मिल रही है अलग अलग सूत्रों से, कि कहीं से कहा जा रहा है कि अगस्त में स्टार्ट होगा, कहीं से कहा जाता है कि सितंबर में स्टार्ट होगा, वी डिडंट नो एनीथिंग जब तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आता। स्टूडेंट्स, ऐसे में ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद गवर्नमेंट कोर्स को रिड्यूस कर दे, क्योंकि बच्चों को पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाएगा कोर्स को तैयार करने के लिए। अब ऐसे में अगर कोर्स रिड्यूस करने की नौबत आती है तो मेरे 22 सालों के अनुभव के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट उन्हीं चैप्टर्स को रिड्यूस करेगी जिनका वेटेज आने वाले स्टैंडर्ड यानी 11th स्टैंडर्ड में बहुत कम होगा, और जो चैप्टर्स 11th स्टैंडर्ड के लिए बेस होंगे उन्हें वो वहाँ से कभी रिड्यूस या हटाना नहीं चाहेगी। तो चैप्टर 15 जो प्रोबेबिलिटी है वो आगे 11th कॉमर्स में और 12th में और कॉलेज में भी पूछा जाता है। इसी तरह से कुछ चैप्टर्स कॉमर्स से रिलेटेड हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे स्टैट्स एंड सो मेनी चैप्टर्स आर लाइक दैट। इसी तरह से कुछ चैप्टर्स साइंस से रिलेटेड जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, उन्हें वहाँ से हटाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये मेरा जजमेंट है, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। और सेकेंड थिंग, अभी बच्चे इतना अटेंटिव नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, उनके लिए ये सब न्यू है, उनके लिए वहाँ से सीखना, बच्चे कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन उनके लिए जब कोई न्यू चीज़ आती है, किसी के लिए भी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो कुछ वक्त तो लगता ही है। और जैसे मैंने कहा कि इतना प्रॉपर सराउंडिंग भी नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, इसी वजह से मैंने चैप्टर 15 को सिलेक्ट किया। चैप्टर 15 ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और अगर बच्चा 50% भी ध्यान देगा ना तो वो उसे आराम से सीख सकता है। अभी हमारा फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे होना चाहिए, एक अच्छा टीचर हमेशा उस पर ही फोकस करेगा कि जो चीज़ हम बच्चों को ऑनलाइन सिखाएं, स्कूल ट्यूशन क्लासेस खोलने के बाद बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो रिपीट करने की कोशिश ना करनी पड़े, उसमें टाइम वेस्ट हमारा ना हो। सो दीज वर द क्लेरिफिकेशन विच आई गिवन व्हाई आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 15। नाउ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने आज के चैप्टर 15 की तरफ। स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं और कुछ पूछना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप मुझे इसके जवाब देंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सिक्का उछालूं तो क्या जवाब आ सकता है? यस, ऑफकोर्स, जो आप सोच रहे हैं,
सर मे बी हेड्स आएगा, मे बी टेल्स आएगा, 100% ट्रू। यानी कि इन दोनों के अलावा और कोई आंसर आ सकता है? नो। यानी मैं सिक्का उछालूंगा तो सिर्फ दो ही आंसर्स हैं जो पॉसिबल हैं। अब इसमें भी मैं अगर आपसे पूछूं कि हेड्स आए तो आप बोलेंगे सर सिर्फ एक ही चांस है हेड आने का। मैं पूछूंगा कितने में से ही चांस है तो आप बोलेंगे सर दो में से। यस, यानी कि अगर मैं हेड्स की बात करूं तो आप बोलेंगे सर इट्स 1 out of 2, यानी 1/2। उसी चीज को अगर मैं पॉइंट में लिखूं तो आप बोलेंगे सर इट्स 0.5। एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स। एक और चीज मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं लूडो खेल रहा हूं और डाइस चलाता हूं तो कौन से नंबर आ सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? यस। इन छह में से कोई नंबर आ सकता है? एब्सोल्युटली राइट। इन छह के अलावा कोई आ सकता है? नो। यानी टोटल चांसेस कितने आने के? सर छह चांसेस हैं। अब मैं बोलूं इसमें से मुझे 3 चाहिए, फॉर विन आई वॉन्ट 3, तो वो कितने चांसेस हैं? सर वो भी एक ही चांस है क्योंकि पूरे डाइस पे हर नंबर एक ही बार है। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यानी कि 1 out of 6, अगर मैं इसको पॉइंट में लिखूं तो क्या हो जाएगा? इट्स 0.33। और भी नंबर चलते जाएंगे, राइट नाउ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक की बात करते हैं। एक और एग्जांपल लूं, मैं आपसे पूछूं कि वी आर प्लेइंग कार्ड्स एंड कार्ड्स में मुझे किंग चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले पूछूंगा कि टोटल चांसेस कितने, तो आप बोलेंगे सर कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। यानी टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से मुझे किंग चाहिए, आई वांट ओनली किंग। सर किंग तो 4 होते हैं। यस, यानी 4 किंग्स में से मुझे कोई भी किंग चलेगा। तो मैं आपसे पूछूं क्या चांसेस है, तो बोलो सर टोटल तो 4 किंग है लेकिन पत्ते तो पूरे, कार्ड्स तो पूरे 52 हैं, तो इट्स 4/52। यानी कि अगर मैं उसे पॉइंट्स में लिखूं तो इट विल बी 0.077। ये तीनों चीजों में मैं अगर आपसे पूछूं कि हर बार जब मैं आपसे पूछ रहा था कि मुझे ये चीज चाहिए तो क्या पॉसिबिलिटी, तो आप बोलते थे सर एक बार आ सकता है, सर ये 4 बार में से एक बार आ सकता है। हर बार आप क्या कर रहे थे? यस, सही सोच रहे हैं आप, हर बार आप एज्यूम कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, यही है चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी। इट मींस संभावना, इट मींस अंदाजा, इट मींस अनुमान। जब हम कोई भी चीज का अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, हम एजम्पशंस लगाते हैं, इट इज प्रोबेबिलिटी। कल बारिश होगी या नहीं होगी, तूफान आएगा, कितने चांसेस है, ये सब जो है इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब हम इसी को जानने वाले हैं, क्या ये चीजें आपके आसपास नहीं होती हैं? ऑफ कोर्स होती है। मैंने कहा था कि आज का जो मैंने चैप्टर इसीलिए सिलेक्ट किया है कि ये आपके आसपास की चीजों से रिलेट करता है, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इसे आसानी से सीख जाएंगे। अब हम अपने मैथमेटिकल फॉर्म में आते हैं तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। द थियोरिटिकल, अगर मैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो इट इज द थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज डिनोटेड बाय पीई। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई मीन्स इवेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। एंड इज डिफाइंड एज, अगर मैं उसका फॉर्मूला बोलूं तो फॉर्मूला क्या होता है, PE is equals to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। याद है मैंने आपसे पूछा था डाइस चला रहा हूं तो टोटल क्या, तो आपने कहा था सर 6 नंबर्स हैं, तो वो चीज नीचे आती है। कार्ड्स चला रहा था तो आपने क्या कहा था, 52, वो चीज नीचे आती है और उसमें से जो हमें आंसर चाहिए वो ऊपर आएगा। जैसे डाइस में मैंने बात की थी तो आपने कहा 3, वो एक ही बार एक ही चांस है, तो वो हो जाएगा 1 ऊपर था और 6 नीचे था। इसी तरह से जब मैं कार्ड्स की बात कर रहा था तो आपने कहा था किंग मुझे चाहिए, तो आपने कहा था 4 चांसेस हैं, तो वो हमारा क्या था, इट्स आर फेवरेबल आउटकम, जो आने की संभावना है, और टोटल कितना था 52, वो नीचे था। इसी फॉर्मूला को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि इट्स पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। आप पॉसिबल वर्ड की जगह फेवरेबल भी लगा सकते हैं।
सो सिंपल सा एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अगर मैं इवेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स की बात करूं, ई यानी इवेंट्स और एक्सपेरिमेंट, और अगर मैं इनकी बात करूं तो तीन एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी आगे बताए थे। एक मैंने आपको कॉइन का बताया था जिसमें हेड्स और टेल्स था, एक मैंने आपको डाइस का बताया था और एक मैंने आपको कार्ड्स का बताया था। नाउ वी विल सी कि ये तो आप बात हुई कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कुछ चीजें सर्टेन होती हैं, कुछ अनसर्टेन। सर्टेन बोलो, उसे आप श्योर बोलो या पॉसिबल इवेंट बोलो, यानी जो हो सकती है। अनसर्टेन, अनश्योर, इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। आइए जानते हैं वो क्या है। सपोज सबसे पहले मैं बात करूं सर्टेन इवेंट की, तो सर्टेन इवेंट का मैं एग्जांपल दूं, उससे पहले मैं आपसे पूछूं क्या सन राइजेस इन द ईस्ट इज करेक्ट? आप बोलोगे सर ऑलवेज सन हमेशा ईस्ट से ही निकलेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। एग्री? यस। तो ये क्या हुआ? सर्टेन इवेंट हुआ, माना होगा ही होगा। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं कि मैं डाइस चला रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 7 व्हाइल थ्रोइंग अ बैलेंस डाइस, यानी जब मैं डाइस चला रहा हूं तो मेरे जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होंगे, वो भी 7 से छोटे। अब 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप क्या बोलेंगे? हां सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर आएगा ही आएगा इन 6 में से। तो इसे हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट, इट्स फिक्स कि इसमें से ही आंसर आएगा। इट मींस अ सर्टेन इवेंट इज एन इवेंट व्हिच ऑलवेज अकर, जो हमेशा होगा ही होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। Yes, it's equals to 1, मतलब आंसर आना ही आना है। तो अब हम बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट या अनश्योर इवेंट क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं इसी है, इन दोनों एग्जांपल्स की बात करें, मैं आपसे कहूं सन राइजेज इन द वेस्ट, क्या सूर्य कभी वेस्ट से उगेगा? नो सर, कभी पॉसिबल नहीं है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, यानी ये जवाब ना ही आएगा कितने भी जनों से पूछ लो। इसी तरह से मैं डाइस की बात करूं कि डाइस को हम चलाएं और 6 से बड़ा नंबर आना चाहिए, द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 व्हाइल थ्रोइंग अ बैलेंस डाइस, आप हंसने लगोगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डाइस पे होते ही सिर्फ 6 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 कैसे आएगा? चाहे मैं दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लूं, वो बोलेगा नो सर इट्स नॉट पॉसिबल। तो यही है हमारा, एन इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट विच नेवर अकर्स, कभी नहीं होगा वो। The probability of an impossible event is 0. हमारा पूरा probability 0 से 1 के बीच में ही चलता है। कोई भी चीज या तो impossible होगी यानी answer 0, या तो वो चीज आनी ही आनी है यानी कि 1, बाकी सब अनुमान इसके बीच में। It means for PE the probability of event E is 0 greater than equal to PE greater than equal to 1 always hold। इसका मतलब आपका आंसर हमेशा या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 और 1 के बीच में हो सकता है। अगर याद हो आपको तो जब मैंने स्टार्ट किया था, हेड्स का आंसर 1/2 था, उसको हमने डेसिमल में लिखा तो वो क्या था? 0.5। यस। जब मैंने डाइस का लिखा था 1/6 तो उसका आंसर क्या था? 0.33। जब मैंने किंग वाले का एग्जांपल दिया था जिसमें 4/52 था तो उसका आंसर क्या था? 0.077। आप हर एक में नोट करेंगे तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। स्टूडेंट्स होप सो अभी तक जो मैंने बातें बताई वो आपको क्लियर हो रही हैं। एक और चीज लास्ट हम इसमें सीखते हैं जो प्रोबेबिलिटी में है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? सपोज कि मैंने डाइस चलाया एंड डाइस चलाने पे मैंने बोला मुझे 3 चाहिए, तो 3 मुझे चाहिए, वो इवेंट दैट आई वांट। अब 3 नहीं आता है तो बाकी के बचे नंबर्स कौन से होंगे? 1, 2, 4, 5, 6, तो वो उस इवेंट के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। जैसे कि हमने पहले पढ़ते थे, जब यूनियन का इंटरसेक्शन का हमने पढ़ा था, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तब हम ए कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते थे। यूनिवर्सल सेट में से
जो ए में नंबर्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो बचता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यहां पे भी वही चीज है, जो आपको चीज चाहिए उसको छोड़ के बाकी जो बचता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। द इवेंट ए बार, बार की निशानी ऊपर डैश है, हम ए डैश बोल सकते हैं, ए बार बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट नॉट ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश यानी ए बार और ए डैश। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए इज ऑलवेज वन। लेकिन जब आप कॉम्प्लीमेंट्री और इवेंट को दोनों को मिलाएंगे तो उसका आंसर वन ही आएगा। हेयर इवेंट ए एंड इवेंट ए आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ ईच अदर। इट मीन्स अगर मैं इसको फॉर्मूला के शेप में लिखूं तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल्स टू वन। अब मुझे अगर मुझे पी ए फाइंड करना है तो मैं पी ए डैश को वन के साइड लेके जाऊंगा, देन फॉर्मूला विल बी पी ए इज इक्वल टू वन माइनस पी ए डैश। इसी तरह से अगर मुझे पी ए डैश फाइंड करना है तो मैं पी ए को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, तो फॉर्मूला विल बी पी ए डैश इक्वल्स टू वन माइनस पी ए। सो यहां पे हमारे सारे फॉर्मूलास कंप्लीट हुए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फॉर्मूलास के मैं समरी आपसे पूछूं या सम अप करें तो पूरा चैप्टर सिर्फ चार चीजों पे डिपेंड करता है। वो चार चीजें क्या थी कि प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला था कि उसका फॉर्मूला दैट वॉज यस दैट वॉज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देन उसके बाद था इवेंट्स या तो सर्टेन हो सकते हैं या तो अनसर्टेन यानी पॉसिबल या इम्पॉसिबल। अगर सर्टेन है तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर वन आएगा, और अगर अनसर्टेन है तो उसका आंसर जीरो आएगा। और नेक्स्ट चीज क्या सीखी हमने कि हमेशा प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच में होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा या तो उनके बीच का होगा। एंड द लास्ट थिंग वॉज क्या था फॉर्मूला कि कॉम्प्लीमेंट्री वाले में कि पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल्स टू वन। सो दिस वॉज आर फॉर्मूला सेक्शन। स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट नंबर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू डैश। क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंपल फॉर्मूला जो मैंने बताया था पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल्स टू क्या होता है, वन। यस एज पर फॉर्मूला। सेकंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट कैन नॉट हैपन, जो कभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, यस जीरो। सच एन इवेंट, जब कोई चीज जीरो होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेन बोलो या इम्पॉसिबल बोलो एज पर द डेफिनेशन। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन, जो चीज होगी ही होगी, आंसर आएगा ही आएगा, सन ईस्ट से ही निकलेगा, डाइस चलाएंगे तो वन से सिक्स के बीच में ही आंसर आएगा, तो वो क्या था, यस वन। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, वन। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे हम, सर्टेन इवेंट या पॉसिबल इवेंट, किसके हिसाब से, एज पर डेफिनेशन। फोर्थ नंबर अगर मैं बात करूं तो क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज हमेशा क्या आता है, वन, बिकॉज एज पर डेफिनेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमेशा किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा, और किससे छोटा होगा, वन से, एज पर फॉर्मूला बोलो एज पर डेफिनेशन बोलो। सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर वन। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी जिसके आंसर्स हर बार सेम ही निकले, चाहे हम उसको रैंडमली कितनी बार भी ट्राई करें। जैसे हम फर्स्ट यहां पे क्वेश्चन लें, अ ड्राइवर टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कोई भी ड्राइविंग सीट पे बैठा है ड्राइवर, वो कीज डालता है और कीज ऑन करता है, अब कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, अब ये लाइकली आउटकम है या अनलाइक आउटकम है, तो हम देखते हैं क्या है ये, द गिवन एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। ये इक्वली लाइकली नहीं है, वाई, क्योंकि हेयर द कंडीशन ऑफ द कार इज नॉट मेंशन, हमें कार की कंडीशन बताई नहीं गई है। अगर कार न्यू होगी, मे बी रेगुलर होगी, प्रॉपर सर्विसिंग होगी, तो शायद एक बार में स्टार्ट हो जाए, लेकिन हमने कई बार नोट किया हो बैटरी अगर लो हो जाता है कार का तो दो तीन बार सेल मारना पड़ता है फिर कार स्टार्ट होती है,
और कई बार कार हमने कई दिन रख दी हो तो भी एक सेल में स्टार्ट नहीं होती है. इफ द कार इज इन द नॉर्मल कंडीशन इट विल स्टार्ट रेडिली, बट इफ इट हैज सम फॉल्ट इट मे नॉट स्टार्ट. हैंस द गिवन आउटकम आर नॉट इक्वली लाइकली. सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल. एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो बास्केटबॉल फेंक रहा है, नेट में जाएगा या नहीं जाएगा. शी और ही शूट और मिस द शॉट. तो अब यहां पे क्या होगा? यस, सोचिए. द आंसर इज द गिवन एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. यहां पे भी नहीं है. क्यों? प्लेयर की कंडीशन नहीं बताई गई है. अगर वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है तो डेफिनेटली वो उसके बार बार वो बॉल फेंकेगा, चांसेस ज्यादा है. लेकिन अगर न्यू खिलाड़ी है तो वो उसके नहीं जाएंगे बॉल इतना इजीली. हियर वेदर द शूटर शूट्स द बास्केटबॉल आर नॉट डिपेंड अ लॉट ऑन प्लेयर बीइंग एन एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ शूटिंग. नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द क्वेश्चन. ऐसा कुछ हमें वहां से पता नहीं चल रहा है. हेंस द गिवन आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली. थर्ड हम बात करें, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. ट्रू या फॉल्स हमें देना है. द आंसर इज राइट और रॉन्ग. अब यहां पे आंसर क्या आएगा? यस, द गिवन एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम. यहां पे इक्वली है. क्यों? दो ही चांसेस हैं, लाइक हेड्स एंड टेल्स में, या तो हेड या तो टेल्स. व्हेन अ ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन इज आंसर्ड देयर आर ओनली टू आउटकम्स ऑफ द आंसर being right or wrong. या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा. Hence the given outcome are likely, equally likely outcomes. Then fourth number, a baby is born. It is boy or a girl. अब normally conditions में देखा जाए तो जब भी बच्चा पैदा होगा तो या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगा. That's why answer क्या हो जाएगा? Yes, the given experiment has equally likely outcomes. When baby borns, it being a boy or a girl are the two only outcomes. Hence, there is no chance that any outcome is favored above the other. Hence, the given outcome are equally likely. So, this was the second question. Now, we will go to the question number third. Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? हमने अक्सर देखा है, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे हॉकी का मैच हो, चाहे फुटबॉल हो, दो कैप्टन्स के बीच में कॉइन ही टॉस किया जाता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे दो ही आंसर्स पॉसिबल है, हेड्स या टेल्स. तो किसी टीम के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, इसीलिए हम कॉइन का टॉस करते हैं. व्हेन एन अनबेस्ड कॉइन इज टॉस, बोथ द आउटकम्स हेड्स एंड टेल्स आर इक्वली लाइकली. हेंस इट कैन बी नेवर बी प्रिडिक्ट. हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते व्हाट विल टर्न अप. सो टू गिव अ फेयर चांस टू बोथ द टीम टू गेट द बॉल एज द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम, टॉसिंग एन अनबेस्ड कॉइन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम इज फेयर वे. ताकि दोनों टीम्स को एक फेयर चांस मिले. देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. इनमें से कौन सा है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज 2/3, सेकंड इज 1-1.5, थर्ड इज 15% एंड फोर्थ इज 0.7. अब अगर मैं इसमें आपसे बात करूं, ऑप्शन ए 2/3 जो दिया हुआ है उसका आंसर क्या आएगा? 0.67. ऑप्शन बी की मैं बात करूं तो इट्स -1.5. ऑप्शन सी की मैं बात करूं तो 15%. परसेंट को हम कन्वर्ट करें तो क्या होता है? 15/100 यानी 0.15. एंड ऑप्शन डी इज 0.7. तो बेसिकली हमें दिख रहा है कि ए, सी और डी तीनों के आंसर्स 0 और 1 के बीच में आए. हमारी प्रोबेबिलिटी भी क्या कहता है कि हमेशा आंसर 0 या 1 या 0 और 1 के बीच में आएगा. कभी हमने ऐसा पढ़ा कि नेगेटिव आंसर आएगा? नो. दैट्स व्हाई हमारा यहां पर आंसर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, बिकॉज इट इज नेगेटिव. -1.5 दिया हुआ है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा समझाया, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा सीख जाएंगे तो आपको सम देखते ही पता चल जाएगा.
जो चीज नेगेटिव में है बस डायरेक्टली वही आंसर होगा। सो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर सम की तरफ आते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, इफ पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब यहां पे स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस पीई प्लस पीई डैश इक्वल्स टू 1। अब पीई की जगह मैंने क्या लिखा 0.05 प्लस पीई डैश की जगह पीई डैश और इक्वल टू 1 की जगह इक्वल टू 1। नाउ व्हेन वी सेपरेट पीई यानी उसके साथ जो डिजिट है 0.05 उसको मैं 1 के साइड लेके जाऊं तो वो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, वाई साइन चेंज होगी, डेट वी हैव एक्सप्लेन इन आर वन टॉपिक इन बेसिक कोर्स, आप उसमें देख सकते हैं। सो पी ई डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, तो इट विल बी पी ई डैश इक्वल्स टू 0.95। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ई इज 0.95। नेक्स्ट सम नंबर 6, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्स कैंडीज हैं। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मालिनी क्या कर रही है, उस बैग में से कैंडी निकाल रही है लेकिन उसमें देख के नहीं निकाल रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट। अब यहां पे क्या संभावना होगी, क्या अनुमान होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर 1 क्वेश्चन द ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, भाई उसमें से ऑरेंज कलर की फ्लेवर की कैंडी निकले, या नंबर 2 क्वेश्चन अ लेमन फ्लेवर कैंडी। अब सपोज द टोटल कैंडीज इन द बैग इज n। अब यहां पे हमें बताया नहीं गया कि बैग में कितनी कैंडीज हैं, तो हम मान के चलते हैं n नंबर ऑफ कैंडीज, सपोज 50, 80, 100, वी डोंट नो, दैट्स व्हाई यू पुट इट हियर n। अब पहला क्वेश्चन में लूं तो क्या है, लेट द इवेंट ए बी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी ए, कोई भी इवेंट को हम ए बी सी डी ई कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे 2 क्वेश्चन हैं तो मैं पहले वाले को ए ले रहा हूं, दूसरे वाले को बी लूंगा, दैट्स व्हाई पी ए इक्वल्स टू पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब उस बैग में स्टूडेंट्स ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है, नहीं है ही नहीं, क्योंकि पूरा बैग किससे भरा हुआ है, लेमन फ्लेवर कैंडी से, तो ऑरेंज का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब उसमें ऑरेंज कैंडी एक भी नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा 0 अपॉन एन। अब 0 के नीचे कुछ भी हो हम हमेशा क्या लगाते हैं, 0 ही लगाते हैं, इट मींस देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इन द बैग, सो द आंसर इज 0, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन अगर लूं उसी का, लेट द इवेंट बी लेमन फ्लेवर कैंडीज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब यहां पे सारे के सारे ही लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, तो क्या हो जाएगा एन अपॉन एन, कट के क्या हो गया 1, क्योंकि सारे लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, तो आंसर इज 1, इट मीन सर्टेन इवेंट। इस एग्जाम्पल से हमें पता चला क्या इम्पॉसिबल है और क्या पॉसिबल है। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपने अगले लेक्चर में ले लूंगा। सो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 जनों का ग्रुप है स्टूडेंट्स का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 जनों का प्रोबेबिलिटी जिनका बर्थडे सेम नहीं है इज 0.992। What is the probability that the two students have the same birthday? तो इसकी क्या संभावना होगी कि 2 जनों का same birthday हो? The probability of 2 students having same birthday is हम उसे लेते हैं PE, जो हमें ढूंढना है, question mark लगाया। The probability of 2 students not having same birthday, उसको मैंने ले लिया PE dash। अब PE dash मुझे क्या दिया हुआ है, 0.992, it's given। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है, पीई प्लस पीई डैश इक्वल्स टू 1, तो पीई प्लस 0.992 इक्वल्स टू 1, सो पीई इक्वल्स टू 1.0.992। अब जब मैं इसे माइनस करूंगा तो वो चीज क्या हो जाएगी,
PE equals to 0.008. So the probability of two students having the same birthday is 0.008. So students, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अपने सम नंबर 8 से. उम्मीद करता हूं इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने सब फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी है, उन्हें भी अच्छा सीखने का, घर बैठ के सीखने का मौका है स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए. और मेरी वंस अगेन एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 बी एट होम एंड बी सेफ. जय हिंद.